हमारी बाइक का क्या हाल हुआ पार्किंग में, देखो। गुड मॉर्निंग खुदा जी, ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करूँगा। रोड से मैं सोच रहा था और सोचते सोचते देखा था नाले का ढक्कन तो अभी तक लगवाया नहीं है। नाले का ढक्कन मैंने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम पे। पीएम को भी टैग किया, सीएम को टैग किया, मतलब और भी कुछ को भेजा था, पर कोई कुछ हुआ नहीं इसका। पर ये रिक्सी है पता है, कोई ना कोई अगर बाई चांस अगर ये गिर जाए ना इस पर पैर हाथ टूट सकता है। और ज़्यादातर हम जैसे लोग अभी यूट्यूब करोगे, हम तो देखते हैं कैमरे में, और कैमरा में देखते देखते कहीं ऐसे यूँ गिर गया ना तब फिर तो हो गया। मगर MCD को ये सेक्टर 3 है द्वारका में, कोई सावन सोसाइटी और ये आपका संसद विहार ना उसके पास है। तो प्लीज़ यार कोई MCD का देख रहा है तो ढक्कन को लगा दो, वरना कहीं एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ लगा दें उसको। पिछले बार मैंने कहा था आपको कि मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो बारिश हो जाती है ना तो घर से लेकर ड्यूटी तक मुझे ना रिक्शे से या फिर बस से या छोटा मैजिक होता उस पर तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पर ये बारिश के चक्कर में था, कभी कभी एक दो दिन सही चला, मैं चलता रहा। पहले क्या था, मारुति में था प्लांट में, तो मारुति में क्या था कि मैं पर डे स्टैंड तक जो ड्यूटी जाता था तो वहाँ तक मैं ना कम से कम मोटा मोटा कहूँ तो मैं कम से कम 3 किलोमीटर पर डे चलता था। वो सब ख़त्म हो गया था, अब ये फिर स्टार्ट किया हूँ, सही रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है थोड़ा चलना। क्योंकि बीच में ना मेरे को ये चीज़ पता चल गया, अगर नहीं चलोगे ना तो कम से कम डेली वॉकिंग नहीं कर सकते, ड्यूटी के हिसाब से तो कम से कम आप चल सकते हो। तो अभी स्टैंड पे हूँ, देखो बस आती है फिर बैठते हैं। एक इसका बेनिफिट तो हो रहा है, बेनिफिट ये है कि मेरे ना पैसे बच रहे हैं, दूसरा मेरे को एक्सरसाइज से थोड़ा फील हो रहा है, तो ये थोड़े दिन यूज़ करेंगे, मतलब वॉकिंग के तौर पर जितना हो सके उतना करेंगे। बाकी अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं बाइक से या अपना किसी व्हीकल पर्सन से जा सकता हूँ। ये 5 मिनट आप दे देना, खुद ऐसा ना भूल मत जाना कि ऐसे पकड़ ले कोई। अब तो पूरे बस बैठाते हैं ना, पूरे सीट खड़ा नहीं है, मतलब मैं सीट का सीट अभी ठीक है बस में, मतलब सीट बाय सीट चलो ठीक है। अब पूरी सीट बाय सीट बैठा रहा है, ये ठीक कर दिया, मतलब खड़े नहीं बैठ रहे हैं, मतलब खड़े नहीं हो रहे थे, बैठे बैठ के जा सकते हैं, ये बढ़िया है। देती थी एकदम आदर्श, मैं पैसे लेके जाता नहीं हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा पैसे का। खैर अभी रेडी होते फिर आपको मिलता हूँ मैं। तो अभी चल रहे हैं जरा दुकान पे, थोड़ा मुझे एक अर्जेंट काम है, क्योंकि मेरा कुछ ना PF का पेंशन का पैसा मेरा पिछले साल का भी अटका हुआ था और इस साल का भी, तो मतलब 2020 और 19 के पहले का, तो वो मेरा PF पेंशन का जो शायद 2 महीने बाद निकल जाता है, 10C फार्म होता है ऑनलाइन। पहले जाकर मैं ऑफलाइन निकाला करता था, पर अब ऑनलाइन जब से कर दिया है थोड़ा ईजिली हो गया, तो उसको भी चलते हैं जरा दुकान में जाके निकाल लेते हैं। अगर हो जाए अप्लाई तो मेरे को 10 से 12 डेज के अंदर पैसा आ जाता है, तो फिलहाल अभी चलते हैं दुकान पर। दुकान पे आ गया हूँ और ये R15 देख रहे हो पीछे, ये वही R15 है जिसका काम किया था मैंने, परफेक्ट अभी चल रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉडी पूरी ख़राब हो रही है एक्चुअली, इतना मतलब पुरानी बॉडी ना मेरा रिपेयर करना तो बेकार ही होता है, पर ठीक है इंजन विंजन को ज़्यादा काम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम था वो जो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, ज़्यादा खर्चा नहीं आया। पर एक बार पंप ख़राब हो जाए ना, पंप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो बंदा कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पंप इंजेक्टर अरिशियम तीन ही चीज़ें इसमें चेक करने के लिए। अब कार्बोरेटर सही होती है, FI सही होती है, इसमें ऐसे बताऊँ तो FI सही होती है, कार्बोरेटर में तो इशू आसान लगता है पर बेस्ट होती है FI। अभी जा रहा था अपनी बाइक को देखने, इतना दिन हो गया, अरे ये किसने गिरा दी मेरी बाइक, ठीक होता पार्किंग में लगा हुआ इतनी भीड़ में तो किसने गिरा दिया। हमारी बाइक का क्या हाल हुआ पार्किंग में, देखो इस बाइक के चक्कर में बच गई, नहीं तो ये भी गिर जाती। क्यों करते भाई, किसकी बाइक का पता नहीं, हमारे संदीप भाई ध्यान नहीं रखते ना क्या रहे, वैसे टैंकी पे लगी है शाम को, फट भी क्या लग रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा भाई जो भी होना ऐसे मत लगाया करो। देखो लगाने चक्कर में कहाँ लगाएगा, पता जगह जगह थी जब अस्थी बाइक घुसने चक्कर में गिरा दी बाइक, लड़ी तो हो गई, कुछ टूटा तो नहीं ना, नहीं टूटा कुछ, वह सब टूट के भी क्या करिए, इतना टूट चुकी है।
ये फट जाता ना, लीवर इसके अंदर धस गया था पूरा, फट गया लग रहा है, नहीं नहीं फटा है, ये हाल हो जाती है बुरी। ऐसा ना पार्किंग का भी मेरा इशू है, क्या करें। तुम्हारी भी तिरछी पड़ी थी ना बाइक, कपड़े भी चुरा ले रहा है यार। मिलते हैं एक मिनट के ब्रेक के बाद। हर कोई अपना फायदा देखता है, मैं बड़ा वाला मुझे बाकी सबको छोटा वाला, हर कोई अपना फायदा देखता है भाई आजकल। वाह देखने में सही लग रहा है, देख ना मैं जा, मैं तो मजेदार है, मसाला होता है मैं लाऊं, मैं तो घर की खेती तू खाएगा नहीं मैं जानता हूँ। हाँ भैया जी लाऊं, अच्छा हाँ खांसी है ना आपको। हमारे इंडिया में दो टाइप से लोग होते हैं, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे भैया आते हैं, मतलब जब से लेकर अब तक कुछ नहीं किया, ना वैक्सीन ली ना कुछ। अभी चेक कर रहा सारे स्लॉट बुक है, ए टू जेड, मतलब मिलता है ना हमारे भैया तब नहीं लेते, जब बीजू आता ना भर जाता स्लॉट तब बोलते बुक कराओ, ऐसे चलेगा काम, प्राइवेट मिलेगा पक्का। देखो ये प्राइवेट में मतलब जहाँ पैसे लगे हैं, कितना दिखा रहा है पैसा, अमाउंट अमाउंट नहीं था, 780 रुपये दिखा रहा है क्या? फर्स्ट डोज ले रहे हैं फर्स्ट, ये तो लीजिए कहाँ तक वैक्सीन ले ही नहीं रहे, आपने कौन सा लिया, आपने ले लिया पहला दूसरा हो गया। देखो हमारे भैया ने भी वैक्सीन ले लिया, पर हमारे ये भैया लेते नहीं, क्या बताते हैं बताओ जरा। अरे मत सुना करो, हम तो डॉक्टर से सुना करो, आप पता नहीं किस चीज़ से सुनते हो। देखो 250 स्लॉट खाली है प्राइवेट में, सारे स्लॉट खाली हैं, पर सिर्फ सरकारी में स्लॉट फ्री, मतलब फ्री वाला नहीं है, बाकी प्राइवेट में सारे स्लॉट दिखा रहे हैं। चलो जब फ्री होगा तब, अभी तो फिलहाल बड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर से खुल ही नहीं रहा साइड इसका, देखा यहाँ तो इसका साइड नहीं खुली, पर देख रहा हूँ वहाँ पर प्रॉब्लम है मॉडल में, हो गया सही ठीक है, नहीं आ रहा अभी दिखा रहा भाई, कभी कोई कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई, दिक्कत के चक्कर में पूरा टाइम खराब हो जाता है हमारा। इतना देर होगा ट्राई करते हुए, हर बार एक ही चीज़ लिखा रहा है, जब तक ये सुबह नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं था, आराम से लॉगिन हुआ, क्लेम तक हो रहा था फ़ोन पे, मैंने थोड़ा इश्यू आया तो मैंने सुबह नहीं किया, चलो बाद में कर लूँगा, और अभी कर रहा हूँ, इतना देर हो गया नहीं काम किया। एक चीज़ का इश्यू है, जैसे मैंने ना पिछले बार, मतलब मैंने दो बार काम किया, दो बार का मेरा PF का पेंशन, PF तो आ गया था, पेंशन का मैंने पिछली बार, मतलब कोविड में था ना लॉकडाउन हुआ था स्टार्ट, तो उस समय क्या और मेरा ऑफलाइन ही जाकर मुझे जमा करना पड़ता तो हो नहीं पाया था, तो क्या मेरा उस बार का और इस बार का दोनों का एक साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कंफर्म नहीं है, अगर किसी को पता है दोनों को मिलता है तो यार प्लीज़ यार कमेंट कर दे, बता देना मुझे, मैं ट्राई कर लूँगा। वैसे यूट्यूब मैंने देखा नहीं कि कोई ऐसा है इशू, पर सुना हो कि दोनों पैसे एक बार में आ जाते हैं, अगर आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कौन सी क्या है ये मल्टी DHA के साथ में मल्टी विटामिन था, आयरन कैल्शियम था, 220 डिस्काउंट कितना परसेंट है, हैं 10%, हमें भी 10% डिस्काउंट देते हैं, बताओ कैसे इंसान है यार। वैसे ना भैया से डिस्काउंट मांगता हूँ, बहुत कम देते हैं, कितना परसेंट दिया, 20% पक्का 20% लूँगा, देखा 10% कह रहे हैं, चलो कर दो कोई नहीं। वैसे कल मैं भूल गया था लेने के लिए, इसलिए एक ही बेनिफिट हुआ, वैसे 10% डिस्काउंट दे रहा था, पर कैमरा बोला भैया प्लीज डिस्काउंट दो 20%, बोल दिया 20% दे दिया, चलो ठीक है एटलीस्ट, बंदा वैसे पहले भी डिस्काउंट दे रहा था, जब भी मैं मांगता हूँ ना, जब लॉकडाउन याद है आपको, लॉकडाउन में कितने मेडिकल वाले प्राइस ज़्यादा दे रहे थे ना, कि बंदा फिर भी ना कुछ डिस्काउंट दे ही देता था, मतलब बाकी उसे बहुत सही था, इसलिए बंदे से मैं इसी से लेता, कहीं और नहीं लेता, इसी से लेता, कभी पैसे वैसे कम पड़ जाते हैं तो बंदे को बाद में जाकर मैं दे देता हूँ, ये ले तेरा दवाई, पेटीएम कर दिया फोन पे, तो तू ही बोल दे भूल जा रहा था, इसने मैं लिया कोई नहीं, देख ये 200 रुपए का, हाँ ये सबसे अच्छा है।
और ये बारिश हो रही है भाई, कितना मस्त लग रहा है। इतने दिन बाद छत पे आओ ना, एक तो हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मस्त लगा कि ऐसे मौसम में राइड करने का मज़ा आता है। पर राइडिंग मैंने छोड़ दी है कुछ दिनों के लिए, मतलब राइडिंग कहूँ तो कि नहीं चलाएंगे बाइक, पर हाँ ऐसे मौसम में बाइक चलाने का मन कर रहा है। अभी मन कर रहा था कि जाऊँ बाइक लेके, पर ये है कि सोना है तो तभी तो रात को जग पाऊँगा। और फाइनली मेरा क्या हुआ, जो मैंने बताया था पेंशन का वाला फॉर्म जो भर रहा था कल, आज हो गया। कल दिक्कत हुई थी, आज सुबह जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया, कंप्लीट हो गया। दोस्त से बात किया तो कह रहा था कि पैसा शायद आपका आ जाएगा पर टाइम लगेगा, 7 डेज समथिंग। पर मेरा पिछली बार का जो था वो पैसा अभी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, अगर आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर देखेंगे उसको। क्या दिखाया आपको, दिखाया लाइट है नहीं, पूरा छत पे ना काम होना स्टार्ट हो गया ना तो पूरा बंद हो गया। पहले जो पहले खुला हुआ छत था ना वो सब कवर कर दिया मैंने, आज ही देखा, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था। सुबह आता था जैसे सो जाता था, अब जब सही हो जाएगा तब देखेंगे जाके। शेड बनाई बारिश के पानी से बचने के लिए, वो भी ठीक अच्छा बना दिया। जैसे मेरा वो PF का ना पेंशन जो आने वाला है वो जब आएगा तो मैंने कुछ प्लानिंग की है, मतलब कुछ लेने का, अगर वो टाइम पे अगर हो जाता है आ जाता है जो मैं सोच रहा हूँ जितना आने का, जो पिछले बार का भी अगर मिल के आता है, वैसे इसमें जो दिखा रहा है मेरा इसी टाइम का दिखा रहा है, अगर उस टाइम का मिला के दोनों आ जाता है तो बहुत बेस्ट है। समथिंग मेरा जो भी आना है उसमें मैं 2-3 चीज़ लेनी है और वो बाद ही बताऊंगा आपको जब वो आ जाएगा। तो होप करता हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।